हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम, स्वागत है आपका चैनल गुलदस्ता में। कम से कम सामान में बढ़िया सा कुछ बन जाए तो बस बात ही कुछ और है, मजा आ जाएगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इसीलिए आपके लिए भी मैं लेकर आ गई हूँ पिन व्हील रोल। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वाद आए तो कमेंट जरूर करें। पिन व्हील रोल बनाने के लिए हमें चाहिए बिस्किट्स ऑलमोस्ट फीके हैं, ये अरारोट के बिस्किट है, और साथ में हमें चाहिए कोकोनट पाउडर, और ये है हमारा कंडेंस्ड मिल्क। तो बनाते हैं फटाफट। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे बिस्किट्स हैं ना, इनको तोड़ लेते हैं और डाल देते हैं हमारे मिक्सर में। ये टूट गए हैं और इन्हें हम डाल देते हैं हमारे मिक्सर में, ताकि इनको हम ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लें। ये हमने बिस्किट का चूरा है कर लिया है, इसे अच्छी तरह ग्राइंडर में बारीक पाउडर की तरह पीस लिया है। और आप चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है नारियल का चूरा, तो इस चूरे में क्या करेंगे, हम इसको जो हमारा कंडेंस्ड मिल्क है इससे गूंद कर पेड़ा बना लेते हैं। ये देखिए हमारा एक पेड़ा सा बन गया है, और ये जो नारियल है इसमें हमने जो कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है वो स्वीटेंड यूज़ किया है, तो ये एक नारियल और कंडेंस्ड मिल्क का एक पेड़ा बन गया। तो इसको अब हम रख देते हैं एक साइड में और बढ़ते हैं एक आगे स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप के लिए जो हमने बिस्किट का चूरा बना लिया था इसको इसमें डाल लेते हैं, और साथ ही इसमें फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूँ जो हमारा ड्रिंकिंग चॉकलेट होता है ना, मैं वो डाल रही हूँ। एक तो इसका कलर भी डार्क हो जाएगा और फ्लेवर भी बड़ा शानदार आ जाएगा। ये लीजिए, मैंने अपना अच्छे से डाल दिया है चॉकलेट पाउडर। इसको अब मिक्स कर लेते हैं, और इसको भी हम कंडेंस्ड मिल्क से एक पेड़ा बना लेते हैं। ये लीजिए, ये भी हमारा पेड़ा बन गया, और थोड़ा इसको अच्छी तरह गूंदे ताकि जो कंडेंस्ड मिल्क और बिस्किट का चूरा है अच्छी तरह से रिज जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हम इसको भी पहले साइड में रख लेते हैं। मैंने ये पॉलिथीन ले लिया है, या फिर आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। इसके ऊपर जो हमने ये नारियल का जो पेड़ा बनाया ना, नारियल और कंडेंस्ड मिल्क का, इसको थोड़ा सा स्मूथ करके एंड फिर फ्लैट कर दें और इसके ऊपर रख दें। और इसके ऊपर हम रखेंगे ये दूसरा पॉलिथीन, ताकि हमारे लिए बेलना आसान हो जाए। ठीक है, इसको हल्के हल्के हाथों से बेलना है, क्योंकि नारियल है, टूटेगा ही टूटेगा, और इसको घुमाते जाएं। साइड से अगर टूटता है तो आप इसको हटाकर हल्का हल्का प्रेस करके वापस जोड़ सकते हैं। अभी हमने एक रोटी की तरह बेल लिया है, और इसे उठा के साइड में कर देते हैं। दूसरा जो है पेड़ा, उसको मैं आपको बटर पेपर के ऊपर करके दिखाती हूँ। दूसरे पेड़े को भी मैं इस बटर पेपर के ऊपर बेल लेती हूँ। ये लीजिए, हमारी जो बिस्किट चूरा वाली रोटी है वो भी तैयार हो गई। तो इसके बाद ये देखिए, ये हमारी रोटी तैयार है। नीचे हम बिछा लेते हैं ये हमारा पॉलिथीन, और इसके ऊपर हम बिछा देते हैं हमारी जो ये वाली रोटी है, बिस्किट वाली रोटी। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारी ये जो कोकोनट वाली रोटी है ये लगानी है, और ये जरा प्यार से लगाएं। आपने ध्यान दिया, मैंने जो बिस्किट चूरे वाली रोटी है थोड़ी सी बड़ी बनाई है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने अभी रोल करना है, और रोल ऐसे मत करना, ये टूट जाएगी। इसके ऊपर रखना आप दूसरा पॉलिथीन, और इसको जब हम रोल करेंगे ना, वैसे हल्का सा दबदबा देते हैं इसको, और जब रोल करेंगे आपने ध्यान देना है
ऊपर वाला पॉलिथीन इसके बीच में रोल नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला पॉलिथीन आपने निकालते जाना है। तो चलिए जरा ध्यान से इसको रोल करते हैं। ये एक फोल्ड हमने दिया और ऊपर वाले पॉलिथीन को भी खींच लो और जो नीचे वाला है आ गया, ये रहे दोनों निकालते जाएंगे, राइट। फिर एक और इसको फोल्ड करेंगे, थोड़ा टाइट फोल्ड करें, पॉलिथीन को निकाल दें और ये तो खुद ही निकलता जाएगा। फिर एक और फोल्ड करेंगे, ये लीजिए, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। फिर एक और फोल्ड कीजिए, थोड़ा इसको प्रेस भी करते जाएं ताकि ये ठीक से होता जाए। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, हमारा ये पॉलिथीन बाहर हो गया, अकेला रह गया ये। इसको प्रेस करके ना, रोल करके अच्छे से हल्का सा इसको ऐसे ऐसे बेल ले, स्पेशली सेंटर से, क्योंकि सेंटर से मोटू हो जाता है। ये हमारा रोल जो है तैयार हो गया, देख रहे हो आप, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा इसको साइड से भी प्रेस कर देते हैं, राइट। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसी पॉलिथीन में हम रैप करके रख देंगे। कहाँ पे? फ्रिज में। फ्रिज में इसको हाफ एन आवर के लिए रख दो और उसके बाद, हाफ एन आवर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या बन के तैयार हुआ और नेक्स्ट इसका स्टेप हम क्या करते हैं। पिन व्हील रोल जो है हमारा आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमारा फ्रिज में, तो इसको निकालते हैं और इसके पीसेस काटते हैं, राइट। ये देखिए, ये हमारा तैयार हुआ है, ये देखिए, यहाँ से हमने दबा दिया था, तो अब इसको प्यार से काटते हैं। पहला पीस ये ना बराबर हो जाता है, ये देखिए, ये तो साइड में कर देते हैं। अब इसकी आपने ऐसे नहीं काटने, प्यार से काटें। आपकी मर्जी है पीस आप मोटे काटें या पतले काटें, डिपेंड्स आपका कैसा बना है। पीस ऐसे काटें कि एटलीस्ट एक ये रिंग तो पूरा आना चाहिए। तो देखिए मैंने इसमें पतले भी काटे हैं, मोटे भी काटे हैं, आपको कैसे चाहिए आप देखिए। आप देखें इसमें आपने कितना मोटा या कितना पतला रोल काटना है, डिपेंड करता है कि आपका मेन रोल कैसा बना था, उसके अकॉर्डिंगली आप पीसेस को मोटा या पतला कर सकते हैं। तो लीजिए मैंने सारे पीसेस काट दिए हैं, हर साइज के हैं, मोटा भी है तो पतला भी है। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं प्लेटर में लगाकर।